मित्रों, कविता मंजरी कार्यक्रम में एक बार फिर आपका स्वागत है। कार्यक्रम की इस श्रृंखला में हम आपके लिए लाए हैं हिंदी के छायावादी कवियों की रचनाएं। इस क्रम में आइए सुनते हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की अनामिका से संकलित एक कविता, तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, कोई न छायादार पेड़, वह जिसके तले बैठी हुई स्वीकार। श्यामतन भर बंधा यौवन, नत नयन प्रिय कर्म रतमन। गुरु हथौड़ा हाथ, करती बार बार प्रहार। सामने तरु मालिका, अट्टालिका प्राकार। चढ़ रही थी धूप गर्मियों के दिन, दिवा का तम तमाता रूप। उठी झुलसाती हुई लू, रुई जो जलती हुई भू। गर्द चिनंगी छा गई, प्राय हुई दोपहर। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर, देखते देखा मुझे तो एक बार। उस भवन की ओर देखा छिन्नतार। देखकर कोई नहीं, देखा मुझे उस दृष्टि से। जो मार खा रोई नहीं, सजा सहज सितार। सुनी मैंने वह नहीं जो थी सुनी झंकार। एक क्षण के बाद वह कांपी सुघर, ढुलक माथे से गिरे सीकर। लीन होते कर्म में फिर ज्यों कहा, मैं तोड़ती पत्थर। वह तोड़ती पत्थर, देखा मैंने उसे इलाहाबाद के पथ पर। वह तोड़ती पत्थर। मित्रों, इस कविता में निराला ने एक युगो युगो से चले आ रहे शोषित और शोषक वर्ग के बीच के अंतर का वर्णन किया है। यथार्थ जीवन से जुड़ी इस कविता में निराला ने पत्थर तोड़ती मजदूरनी का अत्यंत मार्मिक चित्र खींचा है। यहाँ मेहनतकश जनता के प्रति कवि की सच्ची सहानुभूति व्यक्त हुई है। गर्मियों की धूप में धरती रूई सी जल रही है और उसके सामने अच्छे घने छायादार वृक्ष भी हैं जो शायद उसके लिए नहीं। रास्ते पर बैठी वो पत्थर तोड़ रही है। ऐसा लगता है मानो पत्थर पर पड़ता उसका हर प्रहार जैसे समाज, सभ्यता और संस्कृति के बहुत लंबे समय से चले आ रहे रूढ़ी, बासी, जर्जर परंपराओं पर पड़ रहा है। मित्रों, ये कविता शोषित और मेहनतकश वर्ग की दीन दशा का बखान करती है। हम अक्सर ऐसे दृश्य अपने आसपास देखते भी हैं। तो क्यों ना ऐसे ही किसी श्रमजीवी वर्ग की दीनता की कहानी को नई कविता का रूप दें।